नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। सुबह की शुरुआत करते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ। गाजा पर बमबारी नहीं रुकी तो अन्य मोर्चा पर शुरू होगा युद्ध, ईरानी ने दी इसराइल को धमकी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज इसराइल पहुंचेंगे, देंगे युद्ध में समर्थन। गाजा पर बड़े हमले का प्लान, इसराइल में तैयार किए जा रहे फाइटर जेट। इसराइली सेना ने 250 बंधकों को किया रिहा, 60 हमास लड़ाके मारे गए। इसराइल से लौटे भारतीयों का केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया स्वागत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने हटाए 100 से ज्यादा हमास समर्थी अकाउंट, कहा आतंक के लिए कोई जगह नहीं। आतंकवाद के मुद्दे पर हमें स्पष्ट रुख अपनाना होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। इसराइल और यहूदियों की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबंध, जो बाइडेन का बयान। इसराइल में तेल अवीव से भारतीय नागरिकों को लेकर रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट। यूके के पीएम ऋषि सुनक ने इसराइल के समर्थन में रॉयल नेवी के जहाजों को किया तैनात। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए एएपी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची। बदला अयोध्या मस्जिद का डिजाइन, अब भारतीय शैली में नहीं, अरब देशों की तर्ज पर बनेगी मस्जिद। हमास का समर्थन करने पर खालिस्तानी पन्नू के खिलाफ कार्रवाई की मांग, हिंदू फोरम ने सरकार को लिखा पत्र। वर्ल्ड कप 2023 में आज न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, 6 महीने बाद वापसी करेंगी केन विलियमसन। अब एक नजर डालते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों पर। विधानसभा के मानसून सत्र में हरियाणा सरकार ने नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन विधेयक पारित कराया, जिसे अब लागू कर दिया गया है। इसके लागू होने से लोगों को अपना घर होने का सपना पूरा हो सकेगा। हालांकि किसी भी स्थिति में भूमि के उपविभाजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंजीकरण प्रत्येक मंजिल पर केवल एक आवासीय इकाई या वाणिज्यिक इकाई तक सीमित होगा, यानी कि पूरे फ्लोर की रजिस्ट्री एक ही व्यक्ति के नाम पर की जाएगी। सोनीपत के खरखौदा स्थित केएमपी पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर पहचान के लिए भिजवा दिया है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि यह वाहन श्रद्धालुओं का है जो कहीं से दर्शन करके लौट रहा था। अफसरों की मनमानी से 2 साल से रजिस्ट्री बंद, आरटीआई से खुलासा, ऐसा कोई आदेश नहीं। नागरिक मंच के प्रधान ओंकार नाथ परूथी और चेयरमैन ओंकार सिंह ने कहा कि आरटीआई से मिली जानकारी में स्पष्ट हो गया है कि अंबाला कैंट में रजिस्ट्री बंद नहीं है। आरटीआई से मिले एक जवाब में अंबाला कैंट में अफसरों की मनमानी को खोल दिया गया है। आरटीआई के तहत अंबाला कैंट में रजिस्ट्री बंद के आदेशों को लेकर जानकारी ओंकार सिंह ने मांगी थी। हरियाणा सरकार ने रिटायर्ड पत्रकारों की पेंशन में इजाफा करके उनके मान सम्मान को बढ़ावा दिया है। पंजाब और राजस्थान से भी अधिक पेंशन देकर सीएम मनोहर लाल ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी बनाकर इंटरनेट मीडिया को स्थायित किया है। इसके साथ ही पत्रकारों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी है। हरियाणा के पानीपत जिले की समलखा विधानसभा से कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छौकर की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। विधायक धर्म सिंह छौकर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। यह थी हरियाणा की खबरें। अब एक नजर डालते हैं भारत की बड़ी खबरों पर। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि पार्टी के बागी नेता अजीत पवार कभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा देश के 70% राज्यों में शासन नहीं करती, वह महाराष्ट्र में भी सत्ता खो देगी। शरद पवार और कांग्रेस के महाविकासी अघाड़ी महाराष्ट्र में सत्ता में आई। नॉर्थ ईस्ट के यात्रियों को लेकर कामाख्या पहुंची स्पेशल ट्रेन, अपनों को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी। स्पेशल ट्रेन नॉर्थ ईस्ट के यात्रियों को लेकर कामाख्या रेलवे स्टेशन पर पहुंची। बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के किस डिब्बे पटरी से उतर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस हादसे के बाद कई यात्री फंस गए थे, रेलवे ने उन्हें सही सलामत अब घर पहुंचा दिया है। इसराइल पर हमास के हमले की तैयारी से 2 साल से चल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमास के शीर्ष अधिकारी अली बराका ने कहा कि पिछले हफ्ते इसराइल पर हमले से हमास के 5 से भी कम नेताओं को इसके बारे में जानकारी थी। इस हमले में गाजा में 1417 लोग मारे गए, वहीं इसराइल में 1300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वंदे भारत सहित 133 ट्रेन प्रभावित पटरियों को ठीक होने में लगेगा वक्त, कल भी दिखेगा इसका असर। बिहार ट्रेन हादसे के कारण 133 ट्रेनें प्रभावित हैं। कई ट्रेनों को दूसरे रूट से अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया है। बिहार में कुछ स्टेशन ऐसे भी हैं जहां मेन लाइन पर कोई ट्रेन ही नहीं आई है। पटना जंक्शन पर ट्रेनों के इंतजार में बैठे यात्री दिन भर परेशान रहे। वहीं हादसे के बाद रेल प्रशासन की नींद भी टूट गई है, कई जगह पटरियों की मरम्मत की जा रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
इस साल अप्रैल में चुनावी रैली की गई। टिप्पणियों के संबंध में हवेली जिले के शिंगांव पुलिस ने नड्डा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप लगाया गया कि नड्डा ने वोटरों को धमकी दी कि उन्होंने बीजेपी का समर्थन नहीं किया तो वे केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी बेहतरीन खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना बेबाक सच। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।